पवित्र कांवड़ यात्रा भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लाखों श्रद्धालु हर साल पवित्र जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य पवित्र स्थलों से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस दौरान कांवड़िए जल उठाने के नियमों का पालन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पवित्र गंगा जल उठाने से पहले कई नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी बताया गया है। धर्म ग्रंथों के जानकारों के अनुसार यदि जल उठाने के सभी नियमों का पालन विशेष तौर पर किया गया है तो आपको कांवड़ उठाने का पूरा फल यानी संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। जिस मनोकामना को लेकर आपने कांवड़ उठाई है वह आपकी मनोकामना भगवान शिव पूरी कर देंगे। जल उठाने के सभी नियमों को जानने के लिए हमने हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने जल उठाने के नियम को लेकर लोकल 18 से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। जैसा कि श्रावण मास चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में पवित्र महीने में कांवड़िए सभी पवित्र स्थानों से, जैसा कि गंगोत्री से ले गए हरिद्वार तक एवं भारतवर्ष के अनेक भूभागों से कांवड़ ले जा कर के अपने इष्ट देव जहाँ उनका स्थान उनके नज़दीक पड़ता है वहाँ पर कांवड़ का जल चढ़ाते हैं। तो उसका क्या नियम है, किस प्रकार से कांवड़ उठानी चाहिए, उसको बताना अनिवार्य है। जैसा कि हम हरिद्वार का वर्णन करना चाहते हैं कि हरिद्वार में यदि हम कांवड़ उठा रहे हैं या किसी भी स्थान पर उठा रहे हैं, हाँ, जल को भरने से पूर्व हमें क्या क्या विचार करना चाहिए और किस प्रकार से कितना जल हमें उस कांवड़ के जो कलश में धारण करना चाहिए, उसमें रखना चाहिए। तो जैसा कि पहली बात तो यह है कि हमारा मन पवित्र हो और श्रद्धा भक्ति भगवान शंकर जी के चरणों में संपूर्ण रूप से रखते हुए कांवड़ के जल को लगभग जितनी अक्षमता है हमारे शरीर में उसके अनुसार ही जल ग्रहण करें। कहने का अभिप्राय है लगभग जो 70-75 किलो वजन यदि है, 70 किलो वजन, उससे आधा जल लगभग 35 किलो वजन आसानी से मनुष्य उठा सकता है, और जो नौजवान व्यक्ति है तो इतना जल ले जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और शरीर की क्षमता से अधिक यदि जल हम ग्रहण करते हैं उसमें शारीरिक कष्ट भी होगा एवं कोई दुर्घटना, कोई पैर मुड़ सकता है या कोई टकरा सकता है कहीं भी, तो बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो जितना भी हम आराम से जल उठा सकते हैं तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। भोले शंकर जी के निमित्त जो हम जल उठा रहे हैं, हमारे मन में पवित्रता, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा होना चाहिए और हमारे जो है ना दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं वो हमारे दूर हों, और मन में किसी भी मंत्र का ऐसा मंत्र धारण करें, कहने का मतलब जैसे ओम नमः शिवाय, इसका निरंतर जाप करते रहें जिससे भगवान शंकर की शक्ति हमारे अंदर बनी रहे और मनोबल बना रहे, मन में कोई बुरे भाव ना हो और कोई भी हम ऐसी गलत चीज़ का सेवन ना करें, पवित्र चीज़ खाएं और कोई भी नशा इत्यादि का सेवन ना करें। अपने मुख से कोई भी गलत शब्द दूसरे के लिए नहीं निकालना है, सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, किसी के हृदय को नहीं दुखाते हैं, तो यही सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा और कांवड़ ले जाने का फल होता है।